टेक्नोलॉजी की हम बात करें, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन को करना कैसे, तो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए पहले तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना होगा आपको कि वेदर उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे हमने स्कैनिंग किया था, फिर पता चला कि एसक्यूएल की प्रॉब्लम है ना, या तो फिर मैनुअली जाके जितने इनपुट सेक्शन है सब जगह पे ट्राई करके चेक करो। तो किसमें आ जाता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन। एक बार आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम है, फिर तो सीधे लॉन्च करना है आपको, लॉन्च एसक्यूएल इंजेक्शन। फिर इसके बाद आता है आपका एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें हमने आपको हवीज, एसक्यूएल मैप, ये सब एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन में आते हैं, उनको एग्जाम्पल भी आपको बताया था। अभी सपोज आपको रियल में डेटाबेस के बारे में जानना है, टारगेट का डेटाबेस कौन सा है, टारगेट का डेटाबेस का वर्जन कौन सा है, टारगेट के पास कितने कॉलम्स हैं, कितने टेबल्स हैं। अभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको मैनुअली अगर कॉलम टेबल्स की इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो आप कैसे करेंगे, लाइक लेट अस टेक एग्जांपल, यू हैव टू स्टार्ट विद द फ्रेश अप्रोच स्टार्टिंग से, एसक्यूएल इंजेक्शन की वीकनेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने वेज हैं आपके पास, एसक्यूएल या क्रॉस साइट की वीकनेस है या फिर वेब से रिलेटेड जितने भी टाइप की वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं। फर्स्टली टू आइडेंटिफाई द वीकनेस, देन आई विल टॉक अबाउट एक्सप्लॉइटेशन, क्या क्या वेज है आप लोग बताइए, क्या क्या कर सकते हैं आप एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए अगर एसक्यूएल इंजेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन इसको कंसिडर करो और इसका जवाब। जो आपके आप इंटरव्यू दे रहे हैं इसका आंसर देना है, हाउ टू आइडेंटिफाई एसक्यूएल इंजेक्शन, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू हैव टू आइडेंटिफाई एसक्यूएल इंजेक्शन, यू नो इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में, एक शब्द में है? आप लोग बताइए, एसक्यूएल इंजेक्शन आपने किया है ऑलरेडी, एसक्यूएल इंजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू हैव आइडिया ऑफ टू फाइंड एंड आइडेंटिफाई एसक्यूएल। सबसे पहले तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है वो बताओगे, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है ना, एसक्यूएल इंजेक्शन इज अवेलेबिलिटी, दैट इज इन, इट्स अवेलेबल इन एप्लीकेशन एंड दिस कम्स अंडर इनपुट वैलिडेशन अटैक, right, where the input characters are not filtered or maybe security is not applied, that is the reason why attacker is able to run different queries to test for injection. Now for testing injection attack we have different ways. Number one, automation, automated ways, we have many automation tools which we can use, like Akinetics, like AppScan, like BobShoot, like we can use other SQL injection detection tool like Havis, like SQL Map, and there are many more. This is automated way. If you want to understand about, like we are also having the another way called manual test, through which we can go through checking SQL with a SQL query. So for example, let us take example in the URL you want to check for SQL injection. So you can go with apostrophe, end of the URL you have to put and you have to enter and check for response. If error message is going to come, so this is how you have to explain na. Aise bataoge na interviewer ko. Manual hota hai, automated hota hai, itna to sabko pata hai. Manual bhi hota hai, automated bhi hota hai. Hota kaise? Right? Hota kaise? Iska answer aapko dena hai. तो तभी तो समझ में आएगा कि हाँ तुमको पता है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। कितने टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होते हैं, इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन एंड आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इन बैंड के अंदर आपका एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन है, उसमें लिस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। तुमको थोड़ा ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देखो पहला इसमें है कि अगर आपको सपोज नहीं पता कौन सा टारगेट पे डेटाबेस है, उसका वर्जन क्या है, तो पहले तो आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी, है ना। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग अगर आपको डेटाबेस का करना तो कैसे करोगे, डेटाबेस
का मतलब आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो कैसे करो? तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, आप मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट, या वहां से ले लो, हाँ ठीक। सो एसक्यूएल इंजेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपसे क्या पूछा गया कि एसक्यूएल इंजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के क्या वेज, ठीक है? तो उसमें अगर आपसे स्पेसिफिकली बोला जाए कि मैनुअल क्या वेज है या ऑटोमेटेड क्या वेज है, देन यू कैन गो फॉर इधर मैनुअल जो पूछा गया उसके आंसर दें। अभी पूछा जा रहा है ओवरऑल व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू नो, आप क्या क्या टेस्ट किया, आपका क्या नॉलेज है इससे रिलेटेड, है ना? तो उस केस में आपके पास जितनी एक्टिविटी अभी तक आपने किया है वो सब के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है? कि कौन कौन से ऑटोमेटेड आपने टूल यूज किए हैं, बिकॉज सी देयर आर नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टूल्स आर देयर फॉर डूइंग स्कैनिंग, डूइंग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड ऑल। तो सभी टूल्स तो कोई भी यूज नहीं करता, बट उनको क्या चाहिए कि आपने रियल में आपने कभी टेस्ट किया है या नहीं किया, आपको नॉलेज है या नहीं है, फिर तो जिस टूल पे उनको काम कराना है वो आपको ट्रेन कर ही देते हैं, है ना? किसी टूल पे अगर स्पेसिफिकली काम करना है दे विल ट्रेन यू एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। बट आपने क्या किया, ठीक है? मतलब इस ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है, इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव किसी कंपनी को क्या चाहिए, व्हाई दे वांट द सर्टिफाइड गाइस, रीजन इज बिकॉज आपको बैग के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट अवेयर, यू डोंट नो अबाउट इट, राइट? मतलब उनको ऐसा ट्रेंड कैंडिडेट लेने का बेनिफिट ये होता है कि आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि व्हाट इज मैलवेयर, व्हाट इज वायरस, व्हाट इज वॉर्म, व्हाट इज ट्रोजन, व्हाट इज पासवर्ड हैकिंग, कितने टाइप के पासवर्ड हैकिंग होते हैं, एप्लीकेशन पे क्या क्या अटैक होते हैं, डेटाबेस पे क्या अटैक हो सकता है, है ना, सर्वर पे क्या अटैक हो सकते हैं। तो ये चीजें आप ट्रेनिंग में किए तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या अटैक होते हैं, तो वो क्या करेंगे फिर वो आपको, जैसे अभी किसी एक फ्रेशर कैंडिडेट को प्रिपेयर करना हो तो उस केस में उनको पूरा पहले तो बेसिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि अलग अलग टाइप के अटैक क्या होते हैं, है ना, फिर उनका काउंटर मेजर क्या है। अभी आपके केस में क्या है कि आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग वो डायरेक्टली दे सकते हैं, तो उनको अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, ये आप उनको भी बता सकते हो कि ये क्या होता है, मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है? तो दे विल जस्ट ट्रेनिंग फॉर देयर जॉब कि क्या पर्टिकुलर टास्क आपको करना है। इसलिए आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर करो कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए, और इस तरीके से इंटरव्यू में आंसर नहीं देना है। इंटरव्यू जब आप देते हैं और एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, सपोज आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी टाइप के अटैक के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आप उसको किसी भी अटैक को समझने की कोशिश करो, ना कि थ्योरेटिकली उसको जैसे मगअप करने की कोशिश करो। जैसे अभी आप प्रैक्टिकल देखा आपने, कमांड इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमांड इंजेक्शन, यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, यू कैन एक्सप्लेन नाउ व्हाट इज अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, व्हाट इज अ ब्रूट फोर्स अटैक, राइट? तो ये प्रैक्टिकल से जब करते हो ना तो वो क्लियरेंस ऑटोमेटिकली है, तो अपने लैंग्वेज में आप डिफाइन करते हो। फोर लाइन का वेल डिफाइंड डेफिनेशन पहले प्रेजेंट करो, ऐसा नहीं, आप उसको कॉन्सेप्ट एंड दैट पर्सन शुड बी सैटिस्फाइड दैट यस दिस इज व्हाट दिस इज राइट, और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी सही से आंसर देंगे। अब देखो यहाँ पे पहला आता है आपका, जैसे इसमें हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि इंजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इंजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के टूल यूज कर सकते हैं, मैनुअली भी हम जाके जो मैनुअल प्रोसेस है, चेकिंग विद URL, चेकिंग विद यूजर आईडी सेक्शन, चेकिंग विद पासवर्ड सेक्शन, चेकिंग विद अदर इनपुट सेक्शंस, गिविंग स्पेशल इनपुट लाइक यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन चीट शीट, जैसे वो एसक्यूएल क्वेरीज डिफरेंट टाइप के, मैजिकल स्ट्रिंग। तो आपको जो है आइडेंटिफाई इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बेस्ट वे क्या है कि कोई ना कोई आपको टूल, अब जैसे बॉबशूट, तो आपको पता है बॉबशूट से हर चीज किया जा सकता है, बट बॉबशूट के अलावा आपको ये चीजें क्यों हम लोग डिस्कस किए, सिर्फ बॉबशूट पे ही हम डिस्कस कर सकते थे, बट बिकॉज ऐसा नहीं कि बॉबशूट जो है हर जगह एप्लीकेशन सिक्योरिटी पूरी बॉबशूट से ही होती, नहीं समझ आ रहा है, बॉबशूट से कंप्लीट एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं होती, बॉबशूट कैन वर्क लाइक इट कैन डू द टेस्टिंग, राइट? बट
जैसे आपको पता है कि बॉबशूट का स्कैनर और ऐप स्कैन के स्कैनर से कंपैरिजन नहीं कर सकते. द रिजल्ट विच यू विल बी गेटिंग विद एक्विनेटिक्स एंड ऐप स्कैन राइट दैट दैट द पोटेंशियल विच दोज टूल हैव फॉर डूइंग स्कैनिंग स्पेसिफिकली द बॉबशूट स्कैनर इज नॉट हैविंग दैट पोटेंशियल. गेटिंग दैट बिकॉज वैसे भी कंपेयर कर लो ना स्क्रिप्ट देख लो तुम उनके प्रोफाइल में जाके कितने स्क्रिप्ट उनके पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं. द मोर स्क्रिप्ट दे हैव द मोर इंफॉर्मेशन द मोर वल्नरेबिलिटी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. बॉबशूट भी आपको स्कैन करोगे तो वीकनेस दिखाएगा बट वो उतनी बड़ी लिस्ट नहीं मिलेगी जितनी बड़ी लिस्ट आपको ऐप स्कैन देता है किनेटिक. गेटिंग दैट. तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर उसमें ड्रॉबैक क्या हो जाता है कि आपकी साइड से तो आपने स्कैनिंग कर लिया, आपके साइड से तो लिस्ट ऑफ इश्यूज भी मिल गए, आपके साइड से तो लिस्ट ऑफ इश्यूज को टेस्ट भी कर लिया गया और आपके साइड से उस टेस्ट को टेस्ट करने के बाद पैच भी कर दिया. बट आपने जो स्कैनर यूज किया उसका स्कोप बहुत लिमिटेड था इसलिए अभी भी वहां पे प्रॉब्लम है. इसलिए आपको जो बेस्ट टू बेस्ट सोल्यूशन है वो सबको यूज करना चाहिए. देन ओनली यू कैन इंश्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट. गॉट इट. मतलब डेफिनेटली ये तो या तो फिर मैनुअल टेस्टिंग करो फिर अगर आपको टूल एक्सपेंसिव लग रहे हैं या टूल इतने सारे टूल्स नहीं है तो फिर आप एक्सपीरियंस अगर लोगे तो मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं. बट देखो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन दोनों के प्लस और माइनस है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैनुअल टेस्टिंग में भी नॉलेज आपका मैनुअल टेस्टिंग का अच्छा है तब भी देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि कुछ सेक्शन आप नहीं टेस्ट कर पा रहे, ह्यूमन एरर्स हो सकता है राइट तो उस केस में भी इश्यूज हो सकते हैं. इसलिए मैनुअल और ऑटोमेशन का जब कॉम्बिनेशन यूज करते हो ना तो मोस्ट ऑफ थिंग्स आर बीइंग कवर्ड. तो देखो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू एरर मैसेज. जैसे यहाँ पे देखो इस टाइप का एरर आ रहा है कांट कनेक्ट टू लोकल MySQL सर्वर थ्रू सॉकेट समथिंग लाइक दैट. इसका मतलब ऐसे एरर मतलब ये समझ जाओ 100% यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इंजेक्शन की है ना, इंजेक्शन की प्रॉब्लम है. इसको पैरामीटर बोलते हैं जो आईडी इक्वल टू कार आईडी इक्वल टू हॉर्स आईडी इक्वल टू. अब जैसे आईडी इक्वल टू का इंजेक्शन जब आप कर रहे थे चाहे हविज के साथ करो चाहे एसक्यूएल मैप के साथ करो तभी बिकॉज वो आईडी वाला सेक्शन ही उसका इंजेक्शन पॉइंट जिसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करता है. आप सिंपल एक URL अगर डालते हो www.certifiedhacker.com तो आप उस पर डायरेक्टली इंजेक्शन नहीं कर पाएंगे. आप उस पर स्कैनिंग करो एक्यूनेटिक्स ऐप स्कैन पॉलिसी स्कैन वेलेबिलिटी स्कैनर इन सबका यूज करके स्कैनिंग कर सकते हो आप किसी पर्टिकुलर डोमेन को और फिर उसमें क्या वीकनेस हो स्कैनर आपको बताएंगे. बट जैसे डायरेक्टली मुझे अगर इंजेक्शन करना है तो मुझे पैरामीटर चाहिए आईडी इक्वल टू 1 आईडी इक्वल टू 2 3 और एनीथिंग which will be our injection point, है ना. तो इस तरीके से देखो इस टाइप के क्वेरीज हमने यूज किए थे डिटरमाइनिंग अ सेलेक्ट क्वेरी स्ट्रक्चर ट्राई टू रिप्लीकेट एन एरर फ्री नेविगेशन राइट. फिर डिटरमाइनिंग डेटाबेस इंजन टाइप जनरेटिंग ODBC एरर विच विल शो यू वॉट DB इंजन यू आर वर्किंग विद. ODBC अगर एरर आए तो डेटाबेस का पता चलता है कौन सा इंजन यूज हो रहा है ठीक है. डेटाबेस टाइप एज अ पार्ट ऑफ ड्राइवर. Determining select query structure. Try to replicate an error-free navigation by injecting of simple input such as this. So generate specific error that reveal information such as table name, column name and data type. So जैसे जैसे queries आप जिस type का डालोगे उस type के error देखेंगे. Initial method error check करने का वही है apostrophe, enter, single quote, double quotes, enter करो error क्या आ रहा है. फिर एक बार आपको एक बार कंफर्म हो गया कि यहाँ पे SQL की प्रॉब्लम है एक बार कंफर्म हो गया यहाँ पे क्रॉस साइट की प्रॉब्लम है फिर तो उसके बाद आपके पास स्कोप अनलिमिटेड है ना. फिर उसके बाद तो आप चीट शीट पूरा डाउनलोड करो और एक एक करके स्क्रिप्ट सारे टेस्ट कर डालो. आप सभी स्क्रिप्ट का अलग पर्पज है सभी स्क्रिप्ट उस वीकनेस का बेनिफिट लेंगे. अब देखो यहाँ पे जैसे ये Microsoft LEDB provider इस टाइप का एरर है तो समझ जाओ SQL इंजेक्शन की प्रॉब्लम. इस टाइप का एरर है अगर तो ये क्या है सब SQL इंजेक्शन की प्रॉब्लम है ना. सिंगल कोट सेमी कॉलन डबल कोट ये सब का यूज करके आप टेस्टिंग परफॉर्म
कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नाउ यू गाइस सी, ये आपका जो है ये देखो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन टेस्टिंग फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन। अभी हम लोग स्ट्रिंग यूज किए थे जो चीट सीट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही चीट सीट है, टेस्टिंग स्ट्रिंग, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, मतलब वही चीट सीट, टेस्टिंग स्ट्रिंग मतलब एसक्यूएल स्ट्रिंग टू टेस्ट परफॉर्म अ टेस्ट, ये आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी दिया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जैसे अभी ये क्या करेगा, वर्जन डिटेक्ट करेगा, दिस विल डिटेक्ट अ वर्जन, राइट। आपको मैनुअल वाले मैंने बताया था, फाइल एक दिखाया था एसक्यूएल की, नहीं जिसमें लिखा था कॉलम कैसे आप रिट्राइव करेंगे मैनुअली, राइट, कॉलम को तो क्या करेंगे कॉलम के लिए मैनुअली, नहीं मैंने मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एसक्यूएल इंजेक्शन अगर मैनुअल टेस्टिंग करना है तो आपको पहले वल्नरेबल वेबसाइट आइडेंटिफाई करना है। वल्नरेबल वेबसाइट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या बेस है उसको, गोइंग थ्रू इन द यूआरएल, एंड ऑफ द यूआरएल पुटिंग एपोस्ट्रॉफी सिंगल कोट डबल कोट्स एंड इंटर, ओके। उसके बाद अगर आइडेंटिफाई हो गया तो अभी तुमको उसका वर्जन आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए क्या क्वेरी होगी, फिर उसके बाद कॉलम्स को कितने कॉलम्स है वो चेक करना है, उसके लिए क्या क्वेरी होगी, फिर कितने टेबल्स है उसके अंदर, उसके लिए क्या क्वेरी होगी। तो क्वेरीज क्वेरीज जो है क्या होंगे, जैसे इसमें एट द रेट वर्जन, अभी जैसे उसमें आपको ये भी दिखा था कॉलम में भी कितने कॉलम उसमें है टोटल, और उसमें से कितने इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और कितने नहीं करते, जितने एक्सेप्ट करते हैं उन्हीं को हम इंजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 20 कॉलम्स हैं तो 20 कॉलम मतलब सभी पे सभी रिट्राइवल है, सबके थ्रू अटैक किया जा सकता है, और तो 20 में भी 2 or 3 हैं जो क्वेरीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बन जाएंगे मेन इंजेक्शन पॉइंट। अगर उसमें से कोई नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, ओके। तो याद रखो, मतलब प्रैक्टिकल करिए, जो वॉक थ्रू बताया था स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट किए ना, स्टार्ट करो, सब लोग स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे दो टाइप की, तीन टाइप की टेस्टिंग है, एक है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन टेस्टिंग मीन्स दिस टेस्टिंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्ट एंड सच शुड रिक्वायर नो नॉलेज ऑफ द इनर डिजाइन एंड कोड और लॉजिक। जैसे अभी कोई वेबसाइट पे आप जाते हो टेस्ट करने और वेबसाइट एकदम न्यू है, गूगल डॉट के थ्रू आपने उसको सेलेक्ट किया, चेक किया, मतलब सर्च किया गूगल डॉट के थ्रू, अभी उस पर जाओगे तो उस पर कौन सा टेस्ट करेंगे, फंक्शनल टेस्ट। उसमें क्यों, उस वेबसाइट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे जस्ट जाना है और ट्राई करना है कि इसमें इंजेक्शन की प्रॉब्लम है या नहीं। अब वो सारे वेज तो आपको पता है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, फंक्शनल टेस्टिंग का एग्जाम्पल, पैरामीटर इक्वल टू 1, 2, 3, पैरामीटर इक्वल टू 1 एपोस्ट्रॉफी, पैरामीटर इक्वल टू 1 एपोस्ट्रॉफी हैश, पैरामीटर इक्वल टू 1 डबल कोट, राइट, इक्वल टू 1 एंड 1 इक्वल टू 1 हाइफन हाइफन। अब ये सब क्या है, टेस्टिंग टेक्निक है, फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन का टेस्ट करना है तो ये सभी टाइप की टेस्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट टेस्टिंग क्या होता है, फजिंग, फजिंग सुना है, फजिंग। फर्स्ट टेस्टिंग क्या होता है, इससे एडॉप्टिव एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्टिंग टेक्निक यूज टू डिस्कवर कोडिंग एरर बाय इनपुटिंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ रैंडम डेटा इनटू द डेटाबेस और इनटू द एप्लीकेशन एंड ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन द आउटपुट, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। फजिंग, फजिंग करना है तो बॉब शूट से कैसे करोगे, कौन सा अटैक टाइप यूज करोगे, बॉब शूट में फजिंग के लिए कौन सा अटैक टाइप यूज करेंगे, इंट्रूडर में, हैं, ऑनलाइन पीपल, बॉब क्वेश्चन समझ में आया क्या, हैं, अटैक टाइप फजिंग करने के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा बॉब शूट के अंदर, कौन कौन से अटैक थे वहां पे, हाँ स्नाइपर क्या करता है, ओनली सेलेक्टेड डेट पे ही करता ना एक बार में, हाँ तो कौन सा बेटर रहेगा, लास्ट वाला फेसबुक, हैं कौन सा,
कौन से बम? क्रिस्टल, क्रिस्टल को तो डालना है, क्लस्टर, क्लस्टर, क्लस्टर डाल, मैसिव में डालना है ना हमको, तो क्लस्टर ही चलेगा ना। फजिंग का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर लोकेशन को आप वहां पे इनपुट डालते हैं ना। क्लस्टर क्या करता है? सिलेक्टेड ऑल पेलोड्स को सभी कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, एक पर्टिकुलर में सभी कॉम्बिनेशन नहीं तो सब जगह पर जिन जिन कॉम्बिनेशन है तो उसको क्लस्टर यूज करेंगे। स्नाइपर जो है फजिंग के लिए ज्यादा बेटर, स्नाइपर, ठीक है। आपको ब्रूट फोर्स वगैरह करना है उसके लिए आप क्लस्टर बम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो व्हाट इट इज सेइंग इज कि डिस्कवर कोडिंग एरर बाय इनपुटिंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ रैंडम डेटा एंड ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन द आउटपुट। स्टैटिक डायनेमिक टेस्टिंग, इसमें एनालिसिस ऑफ द वेब एप्लीकेशन सोर्स कोड आता है स्टैटिक डायनेमिक टेस्टिंग। मैलवेयर में आपने पढ़ा था ना स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये आपके फंक्शनल टेस्टिंग में आता है। फजर यहाँ पे देखो बॉबशूट भी है, एचसीएल ऐप स्कैन भी है, पिच फजर है, बॉबशूट है, डब्ल्यूएस फजर है, अलग से भी टूल है, बट एचसीएल ऐप स्कैन एंड बॉबशूट आपके पास ऑलरेडी है प्रोफेशनल जिसका यूज कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ वेब एप्लीकेशन सोर्स कोड, ये पार्ट देखो थोड़ा सा समझना। SQL injection black box pen testing, determine SQL injection issues, कैसे करोगे determine, कैसे करोगे single quote as an input data in identity instance where the user input is not sanitized, send double quotes, कहाँ पे send करोगे? मतलब end of the URL, user ID, password, search box, है ना? यहाँ पे detecting input sanitization, use right square bracket. Right, use right square bracket as the input data to identify instances where the user input is used as a part of SQL identifier without any input sanitization. Hai na? Square bracket. Detecting truncation issues. Send long string of junk data. Long string of junk data. मतलब जैसे अभी तुमने टाइप किया apostrophe और one equal to one hyphen hyphen something like that. ये limited है. लॉन्ग हिस्ट्री हाँ इस टाइप के या किसी दूसरे टाइप के लॉन्ग स्ट्रिंग आप प्रिंट होते, ठीक है। तो इससे क्या होता है लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जंक डेटा सिमिलर टू स्ट्रिंग टू डिटेक्ट सिंगल कोट कैरेक्टर और राइट स्क्वायर ब्रैकेट और डबल कोट्स दीज मैक्स आउट द रिटर्न वैल्यू फॉर फ्रॉम रिप्लेस और right code name function and my truncate and command variable used to hold the SQL state. So black box testing agar aap kar rahe hain aur aapko ye testing perform karna hai to is tarike se aap check kar sakte hain, because us case mein aapko exactly wo application ka koi idea nahi hota ko kis type ka hai, kis type ka design hai, kis type ka program hai, hai na. To us case mein black box ka matlab hota hai ki aapke paas jitna knowledge hai sab try kar lo. What is the black box testing? That because black box testing मतलब आपको पहले से कुछ पता नहीं, तो इसलिए आपके पास जितने भी आइडियाज और जितने भी टेक्निक्स हैं टेस्टिंग के वो सब ट्राई करो, तभी आप समझ पाओगे कुछ में प्रॉब्लम है या नहीं। व्हाइट बॉक्स केस में क्या होता है कि हमको पहले से पता होता है कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। तो ऑलवेज व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो ब्लैक बॉक्स, अब देखो यहाँ पे सोर्स कोड रिव्यू, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन वेब एप्लीकेशन व्हाट इज कॉल्ड सोर्स कोड रिव्यू टू डिटेक्ट एसक्यूएल इंजेक्शन। सोर्स कोड रिव्यू का मतलब होता है कि एनालाइजिंग द कोड द प्रोग्राम एवरी सिंगल लाइन ऑफ द प्रोग्राम यू हैव टू गो थ्रू एंड चेक, बिकॉज जैसे इसके लिए प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से चाहिए। सोर्स कोड रिव्यू कौन कर सकता है? द पर्सन हु कम्स फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। आप प्रोग्राम को देख के समझना है आपको कि प्रोग्राम में वीकनेस कहाँ पे। प्रोग्राम में वीकनेस मतलब कोड को देख के भी समझ में आता है, मतलब ये एप्लीकेशन के कोड को एनालाइज करना है। जैसे अभी सिंपल सा लॉजिक है, सिक्योरिटी टेस्टिंग आपको करना है, आप एक एप्लीकेशन जो है क्लाइंट ने ऑलरेडी रेडी करवा लिया है किसी कंपनी से, जो डेवलपिंग टीम है डेवलपर ने बना दिया। अब डेवलपर ने कोड लिखा तो डेवलपर कोई सिक्योरिटी बैकग्राउंड तो नहीं आता है, तो डेवलपर तो नॉर्मल अपना कोड लिख दिया, डेटाबेस डिजाइन करना था, डेटाबेस डेवलप करना है, वो भी कर दिया उसने, एप्लीकेशन भी कर दिया है रेडी। बट बीइंग नाउ सिक्योरिटी टेस्टर आई हैव टू चेक कि द कोड विच इज रिटन having some issues in the coding or not, because coding ke flaw ki wajah se buffer overflow attack, ye input sanitization validation
ये हो रहे हैं, मतलब वहां पे है इम्प्लीमेंटेड या नहीं। तो एक नॉर्मल प्रोग्रामर ये सब चीजें क्यों करेगा, वो तो नॉर्मल आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम बना के दे देगा, ठीक है। बट उसके कोडिंग जो है सिक्योर कोडिंग है या नहीं है वो चेक करने के लिए आपको सोर्स कोड रिव्यू करना होता है। जैसे आप एक ऑलरेडी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बट यू आर ऑल्सो प्रोग्रामर, बट यू आर अ सिक्योर प्रोग्रामर। वेन यू सी दैट कोड सो यू सी एज एन सिक्योरिटी, वेन आई सी द कोड एज अ नॉर्मल डेवलपर I'll see that what output I'm going to get if I'm using these functions. But I do not, being a secure programmer, we do not only expect what output we are getting, we are trying to understand that this function should give the output, but in a secure way, manner. उसमें मतलब कोई ऐसा attack होने के chances नहीं होते। तो manual source code review, इसका profile है, job profile है, source code review के लिए अलग से job आती है। इसके लिए आजकल ऐसा नहीं है कि आपको coding आता है तभी source code review कर सकते हो, अभी tools भी available हैं। अब जैसे इसमें देखो ये टूल्स हैं, कौन कौन से, ये टूल के नेम भी आप लिख सकते हैं। टू डू सोर्स कोड रिव्यू, जैसे वेरा कोड है, रिप्स है, पीवीएस स्टूडियो है ना, कोवर्टी स्कैन है, राइट, पैरासॉफ्ट है, कास्ट है, ये सब टूल है जो क्या करते हैं, सोर्स कोड रिव्यू। मतलब जैसे मैनुअल एनालिसिस करते हैं, टूल आपको बता देंगे कोडिंग में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम। अब जैसे कोडिंग का एनालिसिस की बात जो मैं कर रहा हूँ, उसका मतलब ये हुआ कि सपोज, इसका मतलब ये नहीं हुआ किसी ने प्रोग्राम लिखा तो गलत लिखा है। प्रोग्राम जो लिखा है तो प्रोग्राम जो इस क्लाइंट को चाहिए रिजल्ट वो सब कुछ मिल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग। ओनली प्रॉब्लम इज कि आई एज एन कंपनी आई वॉन्ट टू टेस्ट माई एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी, वेदर इट इज हैविंग सम इश्यूज और इट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसके लिए सिक्योरिटी टेस्टर चाहिए ना। अब जैसे नॉर्मल प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है तो वो इनपुट लेने के लिए कौन से फंक्शन यूज कर रहा है ना, और क्या फंक्शन किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। बट उसी में कई सारे फंक्शन ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं, वर्क तो वही करते हैं बट वीकनेस है, उनको यूज करोगे तो उसके थ्रू अटैक किया जा सकता है। बट उसका रिप्लेसमेंट भी है, जैसे HTTP यूज करेंगे तो हैक हो जाएंगे, HTTPS करेंगे तो सिक्योर रहेंगे। दोनों का कम्युनिकेशन वही है कि दोनों को क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश है। वन इज डूइंग इट इनसिक्योरली, वन इज डूइंग इट सिक्योरली। व्हेन यू एज अ नॉर्मल प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम, द सेम थिंग इज हैपनिंग, कम्युनिकेशन इज हैपनिंग और द थिंग्स व्हिच क्लाइंट वांट दैट इज हैपनिंग, बट वो सिक्योरली हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए सिक्योर कोडिंग की जरूरत है। इसके लिए अलग कोर्स सर्टिफिकेशन भी है सिक्योर कोडिंग के लिए। जावा, अगर आप जावा बैकग्राउंड से, जावा के लिए सिक्योर प्रोग्रामिंग है, .NET वाले हैं तो .NET के लिए सिक्योर प्रोग्रामिंग है, Python वाले हैं तो Python के लिए सिक्योर प्रोग्रामिंग है। मतलब पहले तो नॉर्मल प्रोग्रामर बनना पड़ेगा तब जाके सिक्योर प्रोग्रामर बनेंगे। तो प्रोग्रामिंग कुछ नहीं आती, सिक्योर प्रोग्रामिंग की हम क्या बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली यू गाइस नीड टू हैव द आइडिया। देखो यहाँ पे स्टैटिक कोड एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द सोर्स कोड विदाउट एग्जीक्यूशन, result help in understanding the security issues present in the source code of the program, right? Dynamic code analysis at runtime, result help in finding security issues caused by the interaction of code with SQL database, web services, etc. देखो यहाँ पे static code analysis मतलब analysis of source code without execution, और dynamic तो आपको पता है code को run करने के बाद उसके behavior को check करना है ना, जैसे मैलवेयर में आप वहाँ वैसे ही ये सब टूल्स हैं जो सोर्स कोड रिव्यू के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखो टेस्टिंग फॉर ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वेलेबिलिटी MySQL एंड MSS, देख रहे हैं, टेस्टिंग इन द URL, देख रहे हैं shop.com/item.php id=101, अटैकर गिव अ मेलिशियस इनपुट सच एज 1=0 टू परफॉर्म ब्लाइंड एसक्यूएल। यहाँ पे देखो क्या किया उसने, यहां तक तो सही है ना, फिर उसने यहाँ पे ऐड कर दिया and 1=0, जिससे क्या होगा, द अबव क्वेरी विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स बिकॉज 1 इज नेवर इक्वल टू 0। सो नाउ द अटैकर ट्राई टू गेट अ ट्रू रिजल्ट बाय इंजेक्टिंग 1=1, राइट, एंड दिस इज हाउ द फाइनली द वेब एप्लीकेशन रिटर्न द ओरिजिनल आइटम पेज। अटैकर आइडेंटिफाई दैट द अबव यूआरएल इज वल्नरेबल टू ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। सो
यहाँ पे एग्जांपल भी दिए है, तो ये डॉक्यूमेंट से इजीली आप समझ पाएंगे इंजेक्शन कैसे परफॉर्म किया जा सकता है इजी वे में। अब इंजेक्शन अटैक अगर आपको लॉन्च करना है तो आप देखो यार, अभी जैसे यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन, ये जैसे इन बैंड एंड आउट ऑफ बैंड दो है, उसमें अलग अलग है एरर, यूनियन जो है आपका इन बैंड में है और आउट ऑफ बैंड में डिफरेंट है, ब्लाइंड एंड आउट, राइट। यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट डेटाबेस नेम, अभी जैसे मान लो देखो अभी आप लोगों यूआरएल देखो, ये आपका एक्चुअल सर्टिफाइड हैकर एसपीएक्स आईडी इक्वल टू 1, फिर इसने ये क्वेरी चलाया है वो यूआरएल के अंदर, यूनियन सेलेक्ट ऑल 1 है ना, डीबी नेम राइट, एंड दिस इज डीबी नेम रिटर्न फ्रॉम द सर्वर, एक्सट्रैक्ट डेटाबेस नेम उसके लिए क्वेरी, और ये क्वेरी किसके लिए है, एक्सट्रैक्ट डेटाबेस टेबल्स, ये किसके लिए है, एक्सट्रैक्ट डेटा एक्सट्रैक्ट टेबल कॉलम नेम्स, एंड ये क्या है, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट फील्ड डेटा, मतलब उसमें फर्स्ट फील्ड में जो डेटा है वही सिर्फ चाहिए, या फिर जैसे पूरा डेटाबेस है उसमें कॉलम्स हैं टेबल्स हैं वो सारे सेक्शंस होते हैं, तो आपको किस टाइप से कितना डेटा चाहिए उसके हिसाब से भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। तो ये पूरा एसक्यूएल आपको अगर ये देखो ये अटैक अटैक नहीं, ये क्या है बेसिकली, अगर आपको नॉर्मली भी एसक्यूएल आता है एसक्यूएल के केस में भी आपको रिट्राइव करना है, सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है नॉर्मल केस में भी, तो ऐसे ही क्वेरी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया है एसक्यूएल मॉड्यूल में, उन्होंने जैसे डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करना है, तो देखो एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे देख के समझ में आएगा कि यूआरएल के थ्रू आप मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग एसक्यूएल के कर पा रहे हैं, इसके थ्रू डायरेक्ट यूआरएल के, और आईडी पासवर्ड सेक्शन तो डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन बाईपासिंग के लिए यूज किया जाता है, बट यूआरएल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली हम विदाउट ऑथराइजिंग गेटिंग ऑथेंटिकेटेड विद डेटाबेस इवन वी कैन कलेक्ट इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस लाइक टेबल कॉलम्स, उसके अंदर लॉग इन करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप लॉग इन है तो आपके पास ज्यादा प्रिविलेज है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने, राइट। इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेरीज है, अब देखो ये इस टाइप के हमने चीट चीट यूज किए थे, है ना, बाईपासिंग लॉग इन बाईपास चीट चीट, ट्राई टू बाईपास लॉग इन बाई अवॉइडिंग द MD5 हैश चेक, logging as a different user, है ना, try to go through this, perform blind SQL injection exploitation, है ना, extract first character, अभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि target के पास ये particular character है उसको search करने के लिए first character, second character, third character भी search करने के options है, देख रहे हैं, searching for the first character of first table entry, देख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट सेकेंड कैरेक्टर, देखो एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कैरेक्टर, अब देखो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में है टाइम बेस्ड वेट फॉर डिले अटैक बोलते हैं, क्या कहते हैं वेट फॉर डिले, कितने देर तक आपको वेट करना है फिर उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट को सेंड करना, तो इसमें भी देखो वेट फॉर डिले का भी यहाँ पे, राइट ये किसमें आता है, कौन से टाइप के इंजेक्शन में, ब्लाइंड में ये आता है टाइम का वेट करने का एंड ऑल, ये भी कहां पे यूज किया जा रहा है, देखो यहां तक तो आपका ये हो गया यूआरएल, इफ यहां से आपकी क्वेरी स्टार्ट होती है, दिख रहा है, अब जैसे इसमें certifiedhacker.com दिख रहा है, आप लोग भी certifiedhacker.com तो आपके पास सही है ऑलरेडी, certifiedhacker.com उस पे ये सब चीजों को आप ट्राई करो, है ना, इन सब चीजों को आप ट्राई कर सकते हो, बट ट्राई करना कि ऐसा ब्राउजर यूज करना जिसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, हाँ मतलब क्रोम वगैरह क्या करेंगे बहुत सारे क्वेरीज को ब्लॉक कर देते हैं, तो आप फिर प्रॉपरली उसको टेस्ट नहीं कर पाते, तो इस पीडीएफ का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एग्जैक्टली जैसे मतलब यूआरएल में कहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से यूज करना है, वो सभी चीजें यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे, तो ये प्लस पॉइंट है इस पीडीएफ का, अभी आप इसको यूज कर सकते हो बहुत आसानी से कि कैसे आपको डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन अटैक अगर परफॉर्म करने हैं तो हाउ यू कैन डू दैट, सो दिस इज एंटायरली कवरिंग द इंजेक्शन अटैक, देखो
राइट तो ये सब अभी ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन की एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, फॉलो दैट। फिर यहाँ पे है एक डबल ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, व्हाट इज दैट? एक होता है ब्लाइंड एसक्यूएल, एक होता है डबल। दिस एक्सप्लॉइटेशन इज बेस्ड ऑन द टाइम डिले, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन टाइम डिले। वी कैन एस्टिमेट दैट द कैरेक्टर वाज गेस्ड राइट बिकॉज ऑफ द टाइम डिले ऑफ द वेब सर्वर रिस्पॉन्स। सो मैनिपुलेटिंग द वैल्यू, दिस यू कैन सी द वैल्यू, we can achieve acceptable performance for concrete application. Perform double blind injection is also called time based SQL injection. Double blind is also called as a time based SQL injection. In double blind SQL injection, attacker insert time delay in SQL query processing to search for character in a database, user data name, column name, row data, and so on. If the query with the time delay execute immediately, then the condition inserted in the query is false. If the query execute with some time delay, then the condition inserted in the query is true. Aisa check karne ke liye time delay karte hain. Immediate execute hua false hai, aur thodi der baad hua to true hai. Hai na? To bahut sare ways hain test karne ke. Blind SQL injection we are talking about. Now there is a also one concept call, ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, इट व्हाट इज डबल ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टाइम बेस्ड सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन। व्हाट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन अकर्स व्हेन डेटा इनपुट इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एंड यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग अनदर एसक्यूएल क्वेरी विदाउट वैलिडेटिंग और यूजिंग पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। Now, second order SQL injection and based on the backend database connection setting and operating system, attacker can perform the following: read, update, delete arbitrary data or arbitrary table from the database. Right? So execute command on the underlying operating system. So yahan pe sequence of action performed in the second order. Attacker submit a crafted input in HTTP request. Application save the input in the database to use it later and give a response to HTTP request. The attacker then submit another request. The web application process the second request using the first input is stored in the database and execute the SQL query. The result of SQL query response to the second request are returned to the attacker if applicable. Agar wahan pe hai vulnerability, second order SQL injection. तो कब किया जाता है? व्हेन द सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड व्हेन एप्लीकेशन यूजेस सबमिटेड डेटा टू परफॉर्म डिफरेंट एप्लीकेशन फंक्शन। टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैकर नीड टू नो हाउ सबमिटेड वैल्यू आर यूज्ड लेटर इन द एप्लीकेशन। तो सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन, अब यहां पे देखो, बाईपासिंग फायरवॉल यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। अब एसक्यूएल इंजेक्शन में अगर आईडीएस फायरवॉल बाईपास करना है तो क्या टेक्निक यूज करोगे आप लोग? अटैकर चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी टू परफॉर्म द अटैक। देखो जैसे इसको कैसे उसने लिखा है ना, एडिशनल बहुत सारे इसमें सेक्शन ऐड कर दिए जाते हैं, या तो फिर डायरेक्टली इनकोडिंग वगैरह यूज किया जा सकता है, यूआरएल इनकोडिंग, एचटीएमएल इनकोडिंग है ना, बेस 64 इनकोडिंग। या देखो HPF टेक्निक, ये टेक्निक है। अब देखो इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि SQL क्वेरीज है ना, नॉर्मली ये पूरा क्वेरी है, बट इसको ऐसे लिखा गया है कि ये बाईपास कर सकता है फायरवॉल जैसे टूल। फायरवॉल को बाईपास करने के लिए ये अलग अलग मेथड है, देखो देख रहे सिग्नेचर पास, CRLF यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ लाइन इन टेक्स्ट फाइल, okay, buffer overflow method. As most of the firewall are developed in C++, it makes it easy for the attacker to bypass that, and the attacker can test the firewall can be crashed by typing the following. Firewall ko crash bhi kar sakte hai ye type kar, jab firewall hi nahi hoga to testing kya hoga, kisko bypass karenge jab usko hi kill kar diya aapne, hai na? देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है। अभी सपोज आपको एक क्वेरी चलाना है, इंसर्टिंग अ न्यू यूजर यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, तो क्या होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू alice@xyz.com,
after inserting the insert statement into above query, select star from user where email ID is this, insert into user, email ID, username, password, values, email address is this, username is this, password is this, value is this. वो अपडेट कर देता है, इंसर्ट इंसर्ट करने के लिए क्वेरी, दिस इज इंसर्ट क्वेरी. अगर अपडेट करना है तो कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी डेटा वहां पे स्टोर है और वहां पे हमको क्या करना है, अपडेट करना है, तो हमारा ये क्वेरी होता है. देख रहे हैं, अपडेट यूजर सेट ईमेल एड्रेस है, तो अपडेट का मतलब जो ये था अभी इसकी जगह पे ये ईमेल एड्रेस है ना. इंसर्ट का मतलब यू हैव एडेड समथिंग न्यू और दिस इज व्हाट इट इज रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग. सब कुछ अपडेट कर सकते ना, जो जो अपडेट करना था. अपडेट क्वेरी का मतलब है कि डेटाबेस के अंदर आपको ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड जो भी अपडेट करना. अपडेट सी, अगर इंजेक्शन की प्रॉब्लम है तो सारे क्वेरी डायरेक्टली रन किए जा सकते हैं. एसक्यूएल क्वेरी यूआरएल के थ्रू आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक्सपोर्टिंग वैल्यू विद रेगुलर एक्सप्रेशन अटैक. तो एन अटैकर परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन ऑन द नोन टेबल टू लर्न द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ अटैकर नो दैट द वेब एप्लीकेशन स्टोर इट्स यूजर डेटा इन टेबल नेम यूजर इनफो, देन द अटैकर कैन परफॉर्म अ रेगुलर एक्सप्रेशन अटैक एज फॉलो टू डिटरमाइन द पासवर्ड. इन जनरल डेटाबेस स्टोर हैज पासवर्ड जनरेटेड फ्रॉम MD5 SHA-1 एल्गोरिथम. Hash password contain only A to F and 0 to 9 values. Right, तो ये देखो यहाँ पे use किया है. Check if first character in the password is between A to F. A and F. देखो कैसे check कर रहा है. A F. Rejects P. Where password, ये search कर रहा है कि इसमें first character क्या A to F के बीच में आता है. फिर first मिल गया तो second इसमें से इसमें आता है. Third फिर ऐसा, मतलब ये भी टेक्निक है बाईपास करने के, पासवर्ड को सर्च करने का, है ना. तो कई सारे यहाँ पे एग्जांपल्स क्वेरी दिए हुए हैं आपको. ठीक है, एग्जांपल क्वेरी दिए हैं जैसे सर्च करने के लिए, अलग अलग उसको सर्च करने के लिए यहाँ पे नंबर्स के साथ दिए हुए हैं कहाँ से कहाँ तक आपको सर्च करना. नहीं नहीं देखो, एसक्यूएल तुमने जब नॉर्मल एसक्यूएल का कोर्स करते हो तो उसमें आपको डेटाबेस को कैसे डेवलप करना है, क्वेरीज कैसे राइट करना है, आपको टेबल कॉलम्स ये सब कैसे क्रिएट करने हैं, डेटा कैसे स्टोर करना है, डेटा कैसे प्रोसेस करना है, ये है ना. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हाउ स्टोर डेटा कैन बी रिट्राइव्ड, how password can be updated or can be retrieved, how your user id can be retrieved or can be some additional user id can be inserted, hai na. to ye kya kar raha hai, ye to wahan pe aapne basic sikha, ye to attack se related hai na. aap yahan pe advanced, as in ye sab jo queries dekh rahe ho aap, ye sql advanced, as a advanced user jab ban jate hain to ye queries aapko fir है वो आपके ही डेटाबेस का ही है ये सारी क्वेरी. ठीक है, राइट. बट क्या होता है, जिसको थोड़ा बहुत पता है एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएल, तो इसको देख के आसानी समझ में आएगा कि ये क्वेरी क्या कर रहा है. एसक्यूएल क्वेरीज को तो बहुत आसानी से, जिसको नहीं भी आता वो भी देख के समझ जाता है कि एसक्यूएल क्वेरी ये हम अगर रन करेंगे तो क्या हो. अभी जैसे देखो, एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए यहाँ पे टूल्स है. आप मैनुअली कर ना चाहो तो मैनुअल के भी यहाँ पे भेज दिए. इसकी खासियत क्या है, पीडीएफ में अगर आप जाओगे तो इसके हर टाइप के, चाहे आपको आइडेंटिफाई यूजर लेवल प्रिविलेज थ्रू एसक्यूएल, डिस्कवर डेटाबेस स्ट्रक्चर, डिस्कवर एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा डीबी एडमिनिस्ट्रेटर, कॉलम इन्यूमरेशन इन डीबी, सबकी क्वेरीज है. जैसे क्या हो रहा है कि आपको डायरेक्टली यहाँ से आप एक आइडिया आपको मिलता है और आप इनका यूज कर सकते हो. इस टाइप की चीट सीट और आप सर्च कर सकते हैं और सिमिलर क्वेरी यू कैन राइट योर ओन. तो ये प्लस पॉइंट है गोइंग थ्रू दिस, राइट. तो कंटेंट काफी इंटरेस्टिंग है इसका. एडवांस इन्यूमरेशन देखो, ओरेकल के केस में आपका है ना, ओरेकल के केस में MS Access, MySQL एंड MS SQL सभी का यहाँ पे
अलग अलग इंफॉर्मेशन है सभी डेटाबेस के, टेबल एंड कॉलम इन्यूमरेशन इन वन क्वेरी, ये डेटाबेस इन्यूमरेशन, ये क्वेरी है, ठीक है। अगर आपको एडवांस इन्यूमरेशन टेक्निक में जाना है, देखो यहाँ पे टेबल्स एंड कॉलम इन्यूमरेशन, डेटाबेस इन्यूमरेशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ डिफरेंट डीबीएमएस, अच्छा ये चीजें तो आपको डेटाबेस जब पढ़ाया जाता है तो अलग अलग डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, कैसे वर्क करते हैं वो बताया जाता है, तो वही है फीचर्स इन डीबीएमएस, फीचर्स ऑफ डिफरेंट डीबीएमएस, ठीक है। सबका काम सेम है बट सभी का ऑप्शन अलग अलग, ठीक है, ऑप्शंस अलग अलग। फिर यहाँ पे कुछ टूल्स भी है, जैसे क्रिएटिंग डेटाबेस अकाउंट, अभी आप लोग जब पढ़े होंगे एसक्यूएल, तो आप इसमें डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में क्रिएट करना है, मतलब यूजर अकाउंट, तो बाय डिफॉल्ट उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या होता था, विक्टर पास 123 है ना, डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड टू लॉग इन विद एसक्यूएल, है ना। वैसे ओरेकल का भी था, ओरेकल का क्या था, विक्टर विक्टर है? या फिर माइक्रोसॉफ्ट विक्टर पास 123 माई एसक्यूएल, ठीक है। ये सब क्या है, ये डेटाबेस मतलब सभी में अकाउंट्स क्रिएट करने के ऑप्शन, क्या अलग अलग डेटाबेस में अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करें, उसके क्वेरीज है, ठीक है, विद द क्वेरीज। पासवर्ड ग्रैबिंग, अभी सपोज आपका डेटाबेस से पासवर्ड रिट्राइव करना है तो कौन सा क्वेरी आप रन करो, पासवर्ड ग्रैबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, अटैकर ट्राई टू ग्रैब पासवर्ड फ्रॉम यूजर डिफाइंड डेटाबेस टेबल थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन क्वेरीज, द अटैकर यूज्ड हिज आर ट्रिक फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन एंड फॉर्म ए एसक्यूएल क्वेरी इंटेंडेड टू ग्रैब द पासवर्ड, ग्रैबिंग एसक्यूएल सर्वर हैशेस, एसक्यूएल आपका जो पासवर्ड स्टोर करता है तो हैश में स्टोर करता है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग अटैक कर रहे थे हवीज और एसक्यूएल मैप के थ्रू, पासवर्ड हैश में ही मिल रहा था, मतलब इनक्रिप्टेड स्टोर, राइट, तो वही उस हैश को ग्रैब करने के लिए क्वेरी यहाँ पे। तो जिनको जैसे इस पे क्या है, जिनको एप्लीकेशन सिक्योरिटी में और इस में डेडिकेटली जाना है तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, कौन सा, वेब एप्लीकेशन और एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग के सब तो वो सब भी इम्पोर्टेंट है जितना अभी तक किए हैं, बस जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, जैसे जिनको सॉक में जाना है, जिनको नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क पेन टेस्टिंग में जाना है, ठीक है, तो वो इसको थोड़ा कम भी करेंगे, और दूसरा जैसे स्नीफिंग है, वायसॉक है ना, ये सब चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं, इन पे ज्यादा बेटर ट्रेन कर सकते हैं। जिनका फोकस है कि मुझे बग बाउंटी करना है, मुझे एप्लीकेशन सिक्योरिटी में काम करना है, तो फिर वेब टॉप 10 और ये पूरे मॉड्यूल्स को अच्छे से कर लो, 2-3 बार इसको पढ़ो, है ना। और इसमें क्या है कि ये पीडीएफ में ये सिर्फ मतलब एग्जाम्पल के साथ है तो आपको समझने में ईजी होता है, ये अच्छा है, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जिनका यूज करके हम इंजेक्शन कर सकते हैं, अभी मैनुअल वेज तो है, मैनुअल को आप कर सकते हो, इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, जो यूज किए जा सकते हैं डेटाबेस में, इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम, जैसे लोड फाइल, ये आपके एसक्यूएल MySQL इज यूज टू रीड द रिटर्न द कंटेंट ऑफ फाइल लोकेटेड विद इन MySQL सर्वर, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग क्वेरी इज यूज बाय attacker to retrieve the password file from database, ये देखो ये query किसके लिए attacker use कर रहा है, password retrieve के लिए, into out file function with MySQL is often used to run query and dump the result into file, for example the following query is used by attacker to store the result of a specific query, देखो देख रहे हैं cell.php, if successful it will then be possible to run system command by get global, the following is an example of using a wget to get a file, file ki information nikalne ke liye wget ka use kar wget ka use kis liye hota hai, wget ek tool hai command jo aap use kar sakte hain kali mein,
यस तो एसक्यूएल को इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर रहा हूँ बिकॉज एसक्यूएल इंजेक्शन हमने देखा, एसक्यूएल इंजेक्शन के जो टूल्स आपने यूज किए, आप जो मैनुअल वे ट्राई किए है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ आपको एक बार देखना है कि आप अलग अलग टाइप की क्वेरी जो है अपडेट से रिलेटेड मतलब इंजेक्शन से रिलेटेड जो हर टाइप की क्वेरीज है, यहाँ पे तो आप देख सकते हो हर टाइप की क्वेरी। फाइंडिंग एंड बाईपासिंग एडमिन पैनल ऑफ वेबसाइट कैसे आप करेंगे? अब देखो हावीज और एसक्यूएल मैप में आप एडमिन पैनल भी सर्च कर सकते हो, हावीज में ऑप्शन था एडमिन फाइंडर कर, याद है क्या? मैंने वो सर्च भी किया था, एडमिन लॉगिन पेज जो सर्च करता ना लास्ट में, हावीज के लास्ट में एडमिन सर्च का ऑप्शन है एडमिन फाइंडर, मतलब नॉर्मली तुमको एडमिन लॉगिन पेज नहीं पता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का, तो आप सिंपली www.certifiedhacker.com का वहां पे एडमिन फाइंडर में सेलेक्ट करो और वो क्या करेगा उसको ब्रूट फोर्स करता है, उसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा डेटाबेस है एडमिन पेजेस सर्च करने का, और अगर उसमें मिला उसके डेटाबेस से तो आपको एडमिन लॉगिन पेज डायरेक्टली दिखा देता है, हावीज में है ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अटैकर, हाँ बिलो इज द लिस्ट ऑफ मिलिशियस इनपुट यूज्ड बाय अटैकर टू बाईपास ऑथेंटिकेशन, ये सब मिलिशियस इनपुट में आते हैं, इनको तो हमेशा ब्लॉक करके रखना चाहिए इस टाइप के अगर इनपुट कोई भी ट्राई करता है। यहाँ पे देखिए कुछ गूगल डॉर्क टेक्निक है जिसके थ्रू वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं वल्नरेबल पेज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था है ना आप लोगों को, ये सब एसक्यूएल की क्वेरीज जो बाईपासिंग के लिए यूज की जाती है। फिर यहाँ पे पीएल एसक्यूएल एक्सप्लॉयटेशन, पीएल एसक्यूएल कोड हैज वल्नरेबिलिटी सिमिलर टू डायनेमिक क्वेरीज दैट इंटीग्रेट यूजर इनपुट एट रन टाइम, तो ये भी एक है पीएल एसक्यूएल जो है इज अ सिमिलर टू स्टोर्ड प्रोसीजर इज वल्नरेबल टू वेरियस एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, वेरियस एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब जितने अलग अलग टाइप के हैं सभी के थ्रू इस पे भी अटैक हो सकता है। तो ये हर एक देखो यहाँ पे क्वेरीज है, अलग अलग क्वेरीज है, एक्सप्लॉइट करने क्वेरीज है, रिट्राइव करने क्वेरीज है, इंसर्ट की क्वेरीज है, डिलीट की क्वेरीज है, अपडेट की क्वेरीज, क्रिएटिंग सर्वर बैकडोर यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, ये अटैकर्स डेटाबेस ट्रिगर्ड टू क्रिएट बैकडोर फॉर एग्जांपल, एंड इफ अटैकर कैन एक्सेस द वेब सर्वर ही कैन यूज द फॉलोइंग माई एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट पीएचपी सेल ऑन द सर्वर, पीएचपी सेल अपलोड हम लोग नहीं बात कर रहे थे, फाइल अपलोड बोल रहे थे, तो वही है यहाँ पे, फिर एक बार सेल अपलोड हो गया तो उसके थ्रू फिर कोई भी कमांड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं सर्वर पे, देन वी कैन रिट्राइव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम द सर्वर बाय यूजिंग दैट सेल, और उसके थ्रू फिर आप जो बैकडोरिंग भी कर सकते हो डेटाबेस। अब देखो यहाँ पे एचटीटीपी हेडर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, आप लोग जब बॉक्स शूट वगैरह में आपने देखा होगा जब आपका पहला रिक्वेस्ट आप कैप्चर करते हो तो उसमें एक्स फॉरवर्ड फॉर ये वाला एक ऑप्शन रहता है, फिर एक यूजर एजेंट का ऑप्शन रहता है, फिर एक रेफरर का ऑप्शन रहता है। अब ये सारे सेक्शन भी एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं, यहां से भी आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, जैसे रेफरर के अंदर कुछ चेंजेस करके आपको टेस्ट करना है ठीक है, आपको इसके अंदर यूजर एजेंट में कुछ चेंजेस करना है तो वो भी एग्जाम्पल है यहाँ पे ठीक है। तो HTTP header based SQL injection attacker के लिए HTTP header to inject SQL query, मतलब यहां से भी SQL query रन किया जा सकता है, देखो यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं SQL query है ना, तो ये तीनों सेक्शन जो है इनके यूज करके भी SQL query रन किया जा सकता है। ओके सो All different examples are given here. DNS exfiltration using SQL injection. Attacker use DNS exfiltration to extract data such as password hashes from DNS request. So, for example, attacker may try to perform DNS exfiltration using SQL injection. ये देखो, ये उसका command है. DNS की information collect करने के लिए. Attacker run a packet sniffer to capture packet from the name server of the target domain and retrieve password hash from the DNS record. ये मतलब कैप्चर द पैकेट मतलब वायरसैक वगैरह के थ्रू कैप्चर करके और फिर वहां से वो पासवर्ड हैशेस को रिट्राइव कर सकता है।
DNS attacker use DNS exfiltration to extract data such as password hash from DNS request. DNS request